आज हम आपको यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की सबसे ऊंची और विश्व विरासत मीनार के बारे में बताएंगे। साथ ही हम इसके उन रहस्यों को भी उजागर करने का प्रयास करेंगे जो आम भारतीयों को जानना बेहद ज़रूरी है। कुतुब मीनार भारत में दक्षिणी दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है। यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 73.5 मीटर यानी 237.86 फीट और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर यानी 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। 72.5 मीटर यानी 237.86 फीट चौड़ी कुतुब मीनार विश्व की सर्वोच्च ईंट निर्मित अट्टालिका मीनार है। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम फैलाने की सनक के कारण वेशशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण सन 1193 में करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाए। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है, जो कि फूल बेलों को तोड़कर अरबी शब्द बनाए गए हैं। कुरान की आयतें नहीं हैं। कुतुब मीनार पुरातन दिल्ली शहर ढिल्लिका के प्राचीन किले लालकोट के अवशेषों पर बनी है। ढिल्लिका अंतिम हिंदू राजाओं तोमर और चौहान की राजधानी थी। कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री वीरा मिहिर ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है उसे महरौली कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर हवेली कहा जाता है। इस कस्बे के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में थे, रहा करते थे। उनके साथ उनके सहायक गणितज्ञ और तकनीक विद भी रहते थे। वे लोग इस कथित कुतुब मीनार का खगोलीय गणना अध्ययन के लिए प्रयोग करते थे। 2 सीटों वाले हवाई जहाज से देखने पर यह मीनार 24 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल दिखाई देता है। इसकी एक पंखुड़ी एक होरा या 24 घंटों वाले डायल जैसी दिखती है। 24 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की इमारत पूरी तरह से एक हिंदू विचार है। इसे पश्चिम एशिया के किसी भी सूखे हिस्से से नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कि वहां पैदा ही नहीं होता। इस टावर के चारों ओर हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों या तार मंडलों के लिए मंडप या गुंबजदार इमारतें थी। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने एक विवरण छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि उसने इन सभी मंडपों या गुंबजदार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने यह नहीं लिखा कि उसने कोई मीनार बनवाई। मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों की स्टोन ड्रेंसिंग या पत्थरों के आवरण को निकाल लेते थे और मूर्ति का चेहरा या सामने का हिस्सा बदलकर इसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। बहुत सारे परिसरों के स्तंभों और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों को अभी भी पढ़ा जा सकता है। इस मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, पश्चिम में नहीं, जबकि इस्लामी धर्मशास्त्र और परंपरा में पश्चिम का महत्व है।
यह खगोलीय प्रेक्षण टावर था। पास में ही जंग न लड़ने वाले लोहे के खंभे पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपाद गिरी नामक पहाड़ी पर बना था। इस विवरण में साफ होता है कि मीनार के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति को मोहम्मद गोरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ने नष्ट कर दिया था। खंभे को एक हिंदू राजा की पूर्व और पश्चिम में जीतों के सम्मान स्वरूप बनाया गया था। स्तंभ के 7 तल थे जो कि 1 सप्ताह को दर्शाते थे, लेकिन अब स्तंभ में केवल 5 तल हैं। 6वें को गिराकर खड़ा कर दिया गया था। 7वें तल पर वास्तव में 4 मुख वाले ब्रह्मा की मूर्ति है, जो कि संसार का निर्माण करने से पहले अपने हाथों में वेदों को लिए थे। ब्रह्मा की मूर्ति के ऊपर एक सफ़ेद संगमरमर की छतरी या छत्र था, जिसमें सोने के घंटे की आकृति खुदी हुई थी। कि कुतुब मीनार के बारे में दो तरह की इतिहास में अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक तो जो सामान्य अवधारणा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, और दूसरी जो प्राचीन अवधारणा है वह यह है कि विजय स्तंभ के रूप में हिंदुस्तान के शासक अपनी कीर्ति को लंबे समय तक लोगों को बताने के लिए इस तरह के स्तंभों का निर्माण कराते थे। कुतुब मीनार को पहले विश्व स्तंभ भी कहा जाता है, और ये पूरी तरह से 7 मंजिला था, और इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो बहुत प्रसिद्ध शासक हुए हिंदुस्तान के, उनके यहाँ खगोल शास्त्री थे वराह मिहिर, उनके निर्देशन में इसका निर्माण कराया गया था खगोल शास्त्र की जानकारी के लिए। क्योंकि विष्णु को हमेशा पूजा जाता है वैष्णव मत के अनुसार, इसलिए सबसे ऊपर जो 7वां मंजिल था उस पर ब्रह्मा जी का एक मूर्ति बना हुआ था, सोने का बना था। बाद में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो कुतुब मीनार पृथ्वीराज चौहान के जो महल है राय पिथौरा का महल, उसके ठीक बगल में स्थित है। तो मोहम्मद गोरी ने 2-3 मंजिलों को तोड़वा दिया और उसका पूरा स्वरूप बदल दिया। तो विष्णु स्तंभ से वो, चूँकि कुतुब मीनार नाम इसलिए पड़ गया कि मोहम्मद गोरी का सिपा सालार गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक था 1192 में। 1192 से लेके 1206 तक वो सिपा सालार रहा गवर्नर, और बाद में जब 1206 में गद्दी पर बैठा तो कुतुबुद्दीन हिंदुस्तान का शासक बन गया। तो इसलिए वो निर्माण कार्य चल ही रहा था, इसलिए उसका नाम कुतुब मीनार, कुब्बत उल इस्लाम के नाम पर उसने कुतुब मीनार कर दिया। और वो 75.2 फीट ऊंचा है, 15 फीट चौड़ा है, और 15 फीट चौड़ाई से वो जब ऊपर की तरफ जाता है तो अंत में जाते जाते 3 मीटर चौड़ाई उसकी रह जाती है। ये भी एक धारणा है इतिहास में कि पहले वो 3 मंजिला था, बाद में एक बार बिजली गिरी और वो गिर गई, कुतुब मीनार का ऊपरी मंजिल गिर गया, तो फिरोज तुगलक ने बहुत समय के बाद तुगलक वंश में उसका निर्माण करा और 2 मंजिला और निर्माण करा। ये दोनों धारणाएं प्रचलित हैं। लेकिन अब जो नया रिसर्च सामने आया है और जो उसमें मूर्तियां इत्यादि मिली हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि वो पहले विष्णु स्तंभ ही था, और विष्णु स्तंभ का उसने तोड़ा नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ का स्वरूप बदल करके कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की तरफ बनाने का प्रयास किया, जबकि ऐसी कोई मस्जिद पूरी दुनिया में नहीं थी। और जिस समय कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था और उसकी जो ऐतिहासिक तिथि है, उस जमाने में जो मध्य एशिया से आने वाले मुस्लिम शासक थे, वो जो बनाने का मामला है या जो वास्तुकला है उस मामले में उनको बहुत सऊर नहीं था। तो इसलिए जिस समय दिल्ली में या आसपास के इलाकों में राजपूत शासक या हिंदू शासक जिस तरह के किले महल इत्यादि बना देते थे, आश्चर्य मंदिरों का निर्माण कराते थे, ऐसे उसके समकालीन कोई मस्जिद, कोई मंदिर या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हमको जो
अरब वर्ल्ड है वहाँ दिखाई नहीं देता है, मुस्लिम वर्ल्ड में दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब है कि जो बनाया यहीं के लोगों ने बनाया। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम शासकों ने ये हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इन्होंने तमाम मंदिरों को तोड़ करके उसके ढांचे में परिवर्तन कर दिया। उसमें चूँकि बहुत इस्लामिक जगत का मामला नहीं था, तो इसलिए उन्होंने आधा अधूरा तोड़ा। इसलिए दीवारों में आज भी कलाकृतियाँ मिल जाती हैं या पशु पक्षियों के चित्र मिल जाते हैं, जबकि अभी जो मस्जिद बनी या इस्लामिक वर्ल्ड में किसी मस्जिद में पशु पक्षियों के चित्र नहीं होते हैं। ये सब जगह का स्थिति है। वो बाबरी मस्जिद जिसको कहा गया राम मंदिर को तोड़ा, तो वहाँ भी वही हाल था, संस्कृत में लिखे हुए थे। जो तुर्की अरब से आ रहे थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे, या तो अरबी बोलते थे या तुर्की बोलते थे, तो संस्कृत कहाँ से जानेंगे? और अगर जानेंगे भी संस्कृत, तो संस्कृत हिंदुओं की भाषा मानी जाती है, देव भाषा है, उसको मस्जिद के खंभों पर क्यों अंकित कराएंगे? तो इसका साफ मतलब है कि इन्होंने तमाम मंदिरों को, सैकड़ों सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और उसका स्वरूप बदल दिया। उसी में एक कुतुब मीनार भी है, जिसको विष्णु स्तंभ पहले कहते थे, बाद में कुतुब मीनार के नाम से जाना गया, और इसको श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शुरू कराया तो 1210 में उसकी मृत्यु हो गई, 4 साल वो शासक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उसने उसको कुछ ढांचे में परिवर्तन कराया, बाद में फिरोज तुगलक ने कराया, और एक सुल्तान बीच में और आया 1296 में, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हर काम को नए ढंग से करने की फितरत थी। वो नया धर्म चलाना चाहता था, इसलिए पैगंबर मोहम्मद को चुनौती दिया, उसने खुद पैगंबर बनना चाहता था। कुतुब मीनार को देखा तो उसने कहा कि हम इसी के बगल में बहुत बड़ी मीनार बनवा देंगे उससे ऊंची, लेकिन इसका सपना अधूरा रह गया। और संजोग देखिए कि जिस अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक मीनार कुतुब मीनार से ऊंची बनवाना चाह रहा था, उसका सपना नहीं पूरा हो पाया, इसलिए कुतुब परिसर में ही वो दफन हो गया। तो कुतुब मीनार की दो थ्योरी प्रचलित है, एक हिंदू थ्योरी है, एक मुस्लिम थ्योरी है, और मुस्लिम इतिहासकारों और तमाम लोगों ने एक आस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को श्रेय दिया, जबकि ये पूरी तरह से विष्णु स्तंभ था, और विष्णु स्तंभ में कन्वर्ट करके, विष्णु स्तंभ को कन्वर्ट करके इसने कुतुब मीनार कुव्वतुल इस्लाम का इसने एक स्वरूप खड़ा कर दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को श्रेय जाता है। बाद का इतिहास बदल दिया गया, हिंदू इतिहास को ख़त्म कर दिया गया, मुस्लिम इतिहास को आगे बढ़ाया गया, ताकि इनके जो कलंकित चरित्र है इसको अच्छा बताया जा सके। इसमें तमाम जो वामपंथी इतिहासकार हैं, जो जामिया मिलिया के अलीगढ़ के तमाम इतिहासकार, ये सारे लोग लगे, तो इन लोगों ने इस तरह की बातें की, बहुत सारी सच्चाई को छुपा दिया गया। तो ये सच मामला ये है कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ के रूप में प्रचलित था, क्योंकि अगर नहीं है तो अभी भी वहाँ पर लौह स्तंभ क्यों है, या वहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में क्यों लिखी हुई हैं? ऐसा कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्कृत की जानकारी थी? अगर ये मामला बहुत समय बाद आता, मुगल काल आता, दारासी को कहा जाता, तो एक बार मान भी लिया जाता। लेकिन जो उस समय मध्य एशिया से लड़ाकू आ रहे हैं, जो आक्रमणकारी आ रहे हैं, वो इस्लाम के नाम पर केवल भारत में हत्या करते थे और मंदिरों को तोड़ते थे, उनका मकसद था, तो क्यों संस्कृत में लिखने जाएंगे? जिस जो मुस्लिम आक्रमणकारियों को हिंदुस्तान से और हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं से इतनी नफरत थी, तो उनकी भाषा को क्यों स्वीकार करके अपनी मस्जिदों में उसको अंकित कराएंगे? तो ये गलत बात है, गलत धारणा भी है। लेकिन ये दोनों धारणाएं प्रचलित हैं इतिहास में, और जिस धारणा को जब जब बल मिलता है तो उस धारणा के बारे में लोग चिंता करते हैं। तो अभी तो यही है कि नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार अब मिथक हो रहा है, अब विष्णु स्तंभ के रूप में ज़्यादा प्रचलित। पहले विजय स्तंभ था, तो ये जब मुस्लिम आक्रमण करी आए तो उनको बहुत ज़्यादा, इनको भी लगा कि हमारा भी कुछ कीर्ति स्तंभ होना चाहिए, हमने हिंदुओं पे विजय प्राप्त की, तो हिंदुओं के तमाम संरचनाओं को, स्ट्रक्चर्स को इन्होंने अपना लिया, और अपनाया क्या, ऊपर गुंबद लगा देते थे, कुछ करते थे। बाद में कुतुब मीनार का चल करके जो दिल्ली की सुरक्षा है, क्योंकि राय पिथौड़ा का किला वहीं पर था, वहीं राजधानी बनी, तो जो दूर से सेनाएँ आती थी उसको देखने में, सुरक्षा करने में, और नज़र निगाह रखने में, जो आक्रमणकारी थे निगाह रखने में ये ज़्यादा था, क्योंकि कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, 75 फीट ऊंचा है, तो वहाँ से बहुत दूर तक दिखाई देता था। इस मामले में भी कुतुब मीनार का इस्तेमाल होता था। वैसे कुतुब मीनार एक दिखावा का भी था, उनको लगता था कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी और बाकी शासकों को कि हमने हिंदुस्तान को जीता है, इसलिए ये कीर्ति स्तंभ हमारा है, तो हमारे नाम से जाना जाए। तो इस वजह से भी ऐसे तभी बहुत सारे ऐसे स्तंभों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया।
सर, सैलानियों की क्या वहाँ पे किस वजह से आते हैं, क्या उसको देखने आते हैं या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इस वजह से देखने आते हैं? वो ऐसा कुछ नहीं है, वो ये देखने आते हैं कि प्राचीन काल में या मध्य काल में इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो गया। वो आश्चर्य का विषय, क्योंकि उस समय तो बहुत सारे संसाधन नहीं थे, बहुत मशीनें नहीं थी, लेकिन इतना बढ़िया खूबसूरत स्ट्रक्चर कैसे खड़ा हो गया, बस इसी पे डाउट हो जाता है। जब इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर, अगर लोग कहते हैं कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रतीक है, तो यही जो मुस्लिम बाहर से आए यहाँ पर कुतुब मीनार बना सकते हैं, तो मध्य एशिया में क्यों नहीं बनाया उन्होंने? मध्य एशिया में तो टेक्नोलॉजी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बनी, तो मध्य एशिया में ही बना देते, क्यों उठ के खाल के तंबुओं में रहते थे या जो किला उला भी बनता था तो इस तरह का खूबसूरत नहीं था? तो इसीलिए शक होता है, और बाद में जब नए नए शोध आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। बाहर के लोग आते हैं कि भारत तो प्राचीनतम काल का शहर है, रोम से भी ज़्यादा पुराना है, तो यहाँ पर जो प्राचीन जो कलाकृतियाँ हैं, प्राचीन स्ट्रक्चर है, वास्तुकला है, उसको लोग देखने के लिए आते हैं। और उसमें कुछ मुगलों ने, मुसलमानों ने तोड़ा और तोड़ करके अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो नेचुरली उसको देखेंगे, वो तो सही बात। इस टावर के शीर्ष तीन तलों को मूर्ति भंजक मुस्लिमों ने बर्बाद कर दिया, जिन्हें ब्रह्मा की मूर्ति से घृणा थी। मुस्लिम हमलावरों ने नीचे के तल पर शैया पर आराम करते विष्णु की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया। लौह स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ कहा जाता था। यह विष्णु के मंदिर का प्रहरी स्तंभ समझा जाता था। एक दिशा में 27 नक्षत्रों के मंदिरों का अंडाकार घिरा हुआ भाग था। टावर का घेरा ठीक तरीके से 24 मोड़ देने से बना है, और इसमें क्रमशः मोड़, वृत्त की आकृति और त्रिकोण की आकृतियां बारी बारी से बदलती हैं। इससे यह पता चलता है कि 24 के अंक का सामाजिक महत्व था और परिसर में इसे प्रमुखता दी गई थी। इसमें प्रकाश आने के लिए 27 छिरी या छिद्र हैं। यदि इस बात को 27 नक्षत्र मंडपों के साथ विचार किया जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह टावर एक खगोलीय प्रेक्षण स्तंभ था। आशा करते हैं आपको कुतुब मीनार से जुड़ी ये जानकारियां पसंद आई होंगी। फिर लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स पेज।